हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा। वेलकम टू फर्स्ट फ्लाइट। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब डिड यूज की जाती है, हेल्पिंग वर्ब डिड, और बाद में जो वर्ब की फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों ही यूज की जाती है। अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म यूज की जाती है और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। अब इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। हमें पता है 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव पता ही है, जब हम सिंपली कह देते हैं वह जाता है और पास्ट में वह नहीं गया, पास्ट इंडेफिनेट में। नेगेटिव में वह नहीं गया, और इंट्रोगेटिव में क्या वह गया, तो डिड ही गो और ही गो ही वेंट। इस तरह ये इसके सेंटेंसेस बनेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट होगा प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। एग्जांपल्स हैं जैसे ही सब्जेक्ट है, ही कैसा सब्जेक्ट है, तो इसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। जैसे हमने वर्ब उठाई गो, गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है वेंट, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे वेंट, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है वेंट टू। कहाँ गया अब ऑब्जेक्ट, कहाँ गया, ही वेंट टू पार्क, तो जाना क्रिया का यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सब्जेक्ट भी समझा देती हूँ, जो क्रिया ये वर्ब है इसको जो करने वाला है वो सब्जेक्ट है, और कर्ता अपनी क्रिया द्वारा किसे प्राप्त करना चाहता है, वो पार्क में पहुंचना चाहता है, तो यहाँ पे पार्क क्या हुआ अपना ऑब्जेक्ट हुआ। और क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी पहचान क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ही वेंट टू पार्क, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो इसमें क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब नेगेटिव में अब इसके एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। अब क्या हर तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, देखते हैं। यदि आई हो, आई है तो क्या लगेगा, आई है तो भी गो की सेकंड फॉर्म वेंट ही लगेगा, कोई अंतर नहीं है, वेंट टू पार्क। और यहाँ पे आई की जगह दे हो तो भी बस सब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज होगा, यहाँ पे अफर्मेटिव में और कुछ चेंज नहीं होगा। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी ये कुछ मेरे को आसान लगा, जिनको अर्लियर होते हैं उनके लिए। नेगेटिव में जो नहीं में जिनके आंसर आते हैं वो तो पहले सब्जेक्ट लगा देते हैं, सब्जेक्ट लगा दिया दे, बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी डिड, बाद में नोट, क्योंकि नेगेटिव बनाना है तो डिड दे डिड नोट दे डिड नोट, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, दे डिड नॉट गो टू स्कूल। तो ये क्या है, ये दे सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नोट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट है, और अंत में फुल स्टॉप लगता है। तो ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब इंट्रोगेटिव देख, हमें पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो जिनका आंसर हमें सीधा मिल जाए, यस या नो में मिले, तो वो किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है डिड, बाद में सब्जेक्ट डिड दे, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू पार्क, अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन डिड दे गो टू पार्क। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, गए यस, तो यस दे वेंट टू पार्क, क्योंकि अब ये अफर्मेटिव बन रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आंसर जब इसका देंगे। और नो में देंगे नो दे डिड नॉट यस दे वेंट टू सॉरी ठीक है नो ये हो गया
क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो कैसे होगा? वेयर क्वेश्चन लगा दिया, बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड, वेयर डिड, अब क्या लगाना है? सब्जेक्ट दे, अब लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, वेयर डिड दे गो, वेयर डिड दे गो, तो अब इसका आंसर क्या आएगा? दे वेंट टू पार्क, तो वेयर डिड दे गो, तो इसका आंसर अब पूरा एक्सप्लेन बताना हो, और यदि इसमें ये भी कह सकते हैं वाई डिड दे गो टू पार्क, तो पूरा रीजन हमें देना होगा, तो इसका लॉन्ग आंसर होगा, लॉन्ग आंसर यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड से, जो क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, जो सेंटेंसी स्टार्ट होते हैं, उनके आंसर हमें लंबे मिलते हैं। ये भी हो सकता है हाउ डिड दे गो टू पार्क, अब इसके आगे हाउ लगा दे, तो हाउ डिड दे गो टू पार्क, ये बन गया। ये थी इसकी स्ट्रक्चर, अफिर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। अफिर्मेटिव में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लगता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इनकी इसकी डिड होती है, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप लगता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं, एक तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और एक कौन से होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनका शॉर्ट आंसर यस या नो में मिलता है। हेल्पिंग वर्ब इसकी डिड होती है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन लगता है। तो जैसे डिड दे गो टू पार्क, जो इनके लॉन्ग आंसर मिलेंगे वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, प्लस में हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा और अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन होगा। जैसे वाई डिड दे गो, वाई डिड दे गो, वेयर डिड दे गो, वेयर डिड दे गो, ये सही था। वाई डिड दे गो टू पार्क, हाउ डिड दे गो टू पार्क, तो हमें पता है इनके आंसर हमें लंबे मिलेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, इसकी फॉर्मेशन हमने देख ली, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें, सारी वीडियो को देखें, तभी आपको पूरा टेंस समझ में आएगा। मैंने सारे रूल इसमें भी एग्जाम्पल करवाई है, इसकी फॉर्मेशन भी करवाई है, तो ये सारी क्योंकि ये साथ में करोगे तो बहुत सारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है हमारा वो भी बहुत क्लियर हो जाएगा, और उसे आगे जब करवाऊंगी तो आपके लिए समझना बहुत आसान होगा। तो ये आप मैं इसके यूज कहाँ होते हैं, यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। एक तो ये यूज होता है पास्ट शोइंग टाइम को बताने के लिए, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट है तो ये पास्ट के ही समय को बताएगा, तो पास्ट शोइंग टाइम को बताने के लिए। पास्ट व्हेन पास्ट शोइंग टाइम इज गिवन इन सेंटेंसेस, जब सेंटेंस होते हैं उनमें पास्ट क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्या मिलेगा, यस्टरडे, यस्टरडे किसी में लिखा है तो यानी कि बीता हुआ कल, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, या एगो वगैरह कुछ मिलेंगे, एगो और क्या, एगो लास्ट, ये शब्द हमें मिलेंगे, और क्या मिलेगा हमें, एगो मिलाएगा या लास्ट दिया हुआ हमें मिल जाएगा, यस्टरडे होगा, एगो होगा या लास्ट दिया होगा। अब देखते हैं, आई लाइव्ड इन दिल्ली, टू इयर्स एगो, मैं दिल्ली में 2 साल पहले रहता था,
तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, एगो, एगो यानी कि पहले रहता था अब नहीं रहता है। आई लाइव अब यहाँ पे कह दे आई वेंट टू पार्क यस्टरडे, आई वेंट टू पार्क यस्टरडे, यहाँ पे यस्टरडे हो गया, मैं पार्क, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, गो वेंट गोन, ये फर्स्ट, ये सेकेंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनेट में कौन सी लगती है, सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेंट, तो आई वेंट टू पार्क यस्टरडे। और लास्ट इसमें सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे दे वेंट टू पार्क लास्ट मंथ, वो लास्ट मंथ पार्क है, लास्ट मंथ दिया हुआ है, तो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म। गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, वेंट। सब्जेक्ट देखो आई है तो भी है ये भी, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर का दे दूं, सीता, यही वेंट का वेंट ही रहे, वेंट टू पार्क यस्टरडे, तब भी ये वेंट का वेंट ही रहेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट का कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। और टू कोई पास्ट का कोई एक्शन है, कोई घटना है, पास्ट की कोई भी घटना हो, कोई काम हो, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग होता है। यानी कि सिंपली कहें कि प्रेजेंट का जो पास्ट होता है, वो जो प्रेजेंट वाले यदि वो पास्ट में हो तो पास्ट इंडेफिनेट ही यूज होगा। टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन और इवेंट, यानी कि पास्ट का कोई एक्शन हो या कोई घटना हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, आई मेट हिम, आई मेट हिम लास्ट ईयर, वो ही लास्ट वगैरह तो इसमें दिए वही होंगे, जैसे आई मेट हिम लास्ट ईयर, तो आई सा डियर इन द जू, ये भी कह सकते हैं आई सा, यानी कि उसने देखे थे, आई सा क्या देखे थे, डियर कहाँ देखे थे, इन द जू, उसने कहाँ देखे थे डियर, इन द जू, यानी कि ये सा से क्या पता चलता है कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, क्योंकि सी सा सीन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड सेकेंड फॉर्म है, तो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। जैसे उसने दसवीं कब की थी, लास्ट ईयर की थी, ही पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशंस लास्ट ईयर, ही पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशंस लास्ट ईयर, उसने जो मैट्रिक के एग्जाम थे वो लास्ट ईयर पास किए थे। एक्सप्रेस ये कहाँ लगता है, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन और इवेंट, फॉर एग्जाम्पल आई मेट हिम लास्ट ईयर, आई सा डियर इन द जू, सा क्योंकि सेकेंड फॉर्म है, पास की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, पास पास्ट और पास्ट, ये थर्ड है, सेकेंड है, ये फर्स्ट है, तो यहाँ पे कौन सी है, सेकेंड फॉर्म है, आई पास्ट। अब पता कैसे चलता है कि सेकेंड और थर्ड इसकी जैसे एक ही है, तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब लगी होगी, जैसे हैड हैज हैव, ये मिलेंगे पक्का हमें, या ये एक पैसिव वॉइस होगा तब होगा।
और कहाँ लगता है टू? एक्सप्रेस टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट और कस्टम। टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट और कस्टम। पास्ट पास्ट की कोई हैबिट हो, कोई रीति रिवाज हो, जैसे अब जैसे हम गांधी जी का जिक्र करेंगे तो वो पास्ट की बात है, क्योंकि अब गांधी जी है नहीं। गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, तो ऑलवेज आ गया, तो अब हमें ये भी देखना है कि अब गांधी जी हैं, पहले थे, तो क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनेट गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। और क्या है? आर्यंस बिलीव्ड इन द वननेस ऑफ गॉड। आर्यंस बिलीव्ड इन द वननेस ऑफ गॉड, क्योंकि आर्यंस थे, वो एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। तो ये पास्ट की है बेटा, क्योंकि अब आर्यंस है नहीं, वैसे तो हम अपने आप को आर्यंस कहते हैं। टू एक्सप्रेस एक्सप्रेस एंड एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम स्टेटेड। कोई ऐसे एक्शन को बताने के लिए जब वो उस टाइम हो रहा था, जो वो उस टाइम हो रहा था। व्हाइल ही टू फॉर एग्जांपल व्हाइल ही टुक टी ही रेड ए न्यूज पेपर। व्हाइल ही टुक टी ही रेड ए न्यूज पेपर, यानी कि जब उसने चाय पी तब उसने क्या था, न्यूज़पेपर पढ़ लिया। ही वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई वेंट हर होम। एक्सप्रेस एन इवेंट टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम स्टेटेड। स्टेट यानी कि स्टेट जब टाइम को किया गया है, तो वो एक्शन गोइंग ऑन हो रहा था, ठीक है। तो व्हाई ही टुक टी टेक सेकेंड फॉर्म है, जब उसने चाय पी, टुक टी चाय पी, टी रेड ए न्यूज़पेपर, तो उसने क्या किया, उसने न्यूज़पेपर पढ़ा, ये उस टाइम को बताया गया है। सी वॉज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही थी, कब देख रही थी, व्हेन आई वेंट टू हर हाउस, जब मैं उसके घर गया, तो व्हेन के यानी कि जो व्हेन के बाद वाला वाक्य है ना, उसमें गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, गो वेंट गॉन, मैंने पहले भी बताया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा और वेंट से पहले वाले में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वॉज पास्ट कंटिन्यूअस की है। अब देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट कहाँ कहाँ यूज होता है। पास्ट इंडेफिनेट पास्ट शोइंग टाइम दिया हो, यस्टरडे, लास्ट, एगो, ये दिया हो, कोई पास्ट की हैबिट हो, कोई एक्शन हो, कोई इवेंट हो, उसको बताने के लिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस को यूज़ करते हैं। कोई कस्टम हो पास्ट की, उसको बताने के लिए पास्ट टेंस को हम यूज़ करते हैं। कोई ऐसे टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम स्टेटेड, जब टाइम बताया हो उस टाइम वो एक्शन हो रहा हो,
तो ये यहाँ पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज होता है, हमने विद एग्जांपल इसे किया है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।